खुदावन के अजीम नाम बुलंद वाला और खुदाए बुजुर्ग मैं आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आज का हमारा मिल बैठना पैसे पर और खुदा के मर्जी के मुताबिक हो भले रहेंगे सिर्फ कोरस गाएंगे गैर बाजे के या तबले के सिर्फ कोरस गाएंगे जी मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदावंद को देखेंगे। कौन लोग देखेंगे? पाक दिल जो पाक दिल है। क्यों कहा गया है? मुबारक है वो जो पाक दिल है वो किसको देखेंगे? खुदावंद को देखेंगे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह असली पाक है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यही जवाब है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? पाक है। और जो उसे देखेंगे वो क्या होंगे? अगर पाक होंगे तब ही देखेंगे वरना नहीं देख सकेंगे। आइए हम अबाब की किताब निकालेंगे। आज पहला बाब कमाल भाई फॉलो अप करें। अबाब की किताब उस वक्त तकरीबन चार या पांच किस्म की कुर्बानियां होती थी। कितनी कुर्बानियां होती थी? चार पांच किस्म की कुर्बानियां होती थी। तोबा की कुर्बानी, कफारे की कुर्बानी, फलों की कुर्बानी, बहुत मुख्तलिफ चीजों के हर वक्त में कुर्बानी दी जाती थी। पढ़ेंगे जी जरा अखबार की किताब पहला बाब निकाले साहब निकाले। बहुत जरूरी काम हो गया। जरा गौर करना पड़ा, ध्यान रखना।
एलियास और खुदावन ने खैमा इज्तमा में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, बनी इसराइल से कह के जब तुम में से कोई खुदावन के लिए चढ़ावा चढ़ाए तो तुम चुपायों यानी गाय बैल और भेड़ बकरी का चढ़ावा चढ़ाना। अगर उसका चढ़ावा गाय बैल की सोखतनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाकर उसे खैमा इज्तमा के दरवाजा पर चढ़ाए ताकि वो खुद खुदावन के हजूर मकबूल ठहरे और वो सोखतनी कुर्बानी के जानवर के सर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल होगा ताकि उसके लिए कफारा हो और वो उस बछड़े को खुदावन के हजूर ज़िबह करे और हारून के बेटे जो काहिन हैं खून को लाकर उसे उस मज़बह पर गिरा दें छिड़कें जो खैमा इत्मा के दरवाजा पर है। तब वो उस सोख्तनी कुर्बानी के जानवर की खाल खींचे और उसके उजू को काट कर जुदा जुदा करें। हाँ जी, खुदावन के लिए चढ़ावा चढ़ाए तो तुम जो क्या हो चुपाओ यानी गाय बैल और भेड़ बकरी का चढ़ावा चढ़ाना। जब भी कुर्बानी देनी है उसे क्या कहा गया, सोख्तनी कुर्बानी जलाया जाना। सोख्तनी का मतलब क्या, जलाया जाना। जब भी तुम कुर्बानी दो तो ऐसी कुर्बानी दो कि वो क्या हो, जलाई जाए। जलाने से बड़ा मकसद था फिर, क्योंकि जब वो जलाई जाती है तो खत्म होता और उसका धुआं उठता है। क्या करना है? बड़े को क्या करना है? बड़े अगला आता है फिर हारून उससे जी इसलिए फिर हारून काहिन के बेटे मज़बह पर आग रखें और आग लकड़ियों और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दे। ये आपको कलीसिया की तरतीब बात बताई जाती है। जब आप अबादत के लिए आए, आप सोखनी कुर्बानी के लिए आए, अपने आप को खुदावन के हजूर में लेके आए तो क्या पहला स्टेप क्या है, तरतीब। क्या करें उनके काटे को जुदा जुदा एक एक हिस्से को काट कर जुदा 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 करके रखना है। हर बशर का जो कलीसिया में है वो डीकन है, वो मेंबर है, वो एल्डर है, वो पास्टर है, उसका जुदा जुदा काम है। इसे तरतीब से रखना है। किसने रखना है? सरदार पहले और उसको उसकी जगह पर बड़े सलीके के साथ रखा जाए। जी फिर और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके अजा को और सर और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मस्बा की आग पर होंगी तरतीब से रख दे, लेकिन वो उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले। तब काहिन सब को मस्बा पर जलाए और उसकी अंतड़ियों को क्या करना है, धोना। सबसे मुश्किल काम कसाई का या जो गोश्त बनाने वाले हैं, किस किसने अंतड़ियों का गोश्त खाया बनाया जाता है, अंतड़ियां साफ की जाती है। उन अंतड़ियों को क्या करना है, फिर से पड़ेगी बड़ा जोर से। और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके अजा को और सर और कौन है जो काहिन है, कौन है जो काहिन है, ये उनकी ड्यूटी है कि क्या करें, अंतड़ियों को धोना है, साफ करे धोना है। जी फिर सर और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मस्बा की आग पर होंगी तरतीब से रख दे। तरतीब से फिर तरतीब, नो डिसऑर्डर, पिछले दिन की तनो मर्जी कर दिया, जहां दिल किया जो मर्जी बोल दो। सबसे पहले क्या करना है, धोना है किनको, अंतड़ियों को और आगे पाओ, और पाओ के बारे में क्या लिखा हुआ है, पाए पाओ पाओ पानी से धो।
साथ पहन सकते मजबा पर चलाए नाविया। लेकिन वो उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से पायों को अंतड़ियां पाए क्या है टांगे जी पांव है आपका चाल चलन पांव से क्या है आपका चाल चलन the way you walk खुदा के हुजूर आप कैसे चलते हैं सबसे पहले क्या करें यानी अपने आप को अपने अंदर को साफ करें अंतड़ियों का मतलब है कि जो कचरा जो गंद भरा हुआ है अंतड़ियों में वो निकाल फेंको और वो साफ करके फिर आना है गंद उनकी बढ़िया लचर से जा गए तालियां बजान प्रस्तश कर ले दिस इट मीन्स क्या करे पहले उसको धोएं साफ करे मजबे पर कब आ रहा है हालेलुया थैंक यू लॉर्ड मलबे पर कब आना है जब आपके अंदर जो अंतड़ियां हैं वो यानी अंदर का गंद साफ हो यही हमारी आज की जो है ना कलीसियाओं का यही हाल हो रहा है अंदर से वो साफ नहीं है अंदर से गंद निकालना नहीं चाहते वो चाहते हैं जो कुछ वो कर रहे हैं या अपनी प्रोटोकॉल मिल रहा है बोले 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 उस पर लगे हुए हैं दे डोंट नो व्हाट्स इनसाइड इसलिए कलीसियाएं तरक्की नहीं कर रही इसलिए खुदा के लोग तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि वो पाक है कौन लोग मिलेंगे जो दिल के पाक हैं खुदा को मिलना चाहते हैं कौन कौन मिलना चाहता है क्या खुदा को नहीं देखना चाहते देखना चाहते फिर की कर रहा मैं भी जितने नहीं देखा वेरी वेरी फ्रेंड ये क्राम पहल मैं नहीं कह रहा मैं आप पर आज दफा नहीं लगा रहा इन मकसद था इन कुर्बानियों का पाए आपका चार्ट वे युवा चर्च में वो आ रहे हैं देखें मेरे पांव में क्या क्या जंजीरें जकड़ी हुई है मैं जकड़ा हुआ क्यों है मेरे पांव में नहीं है कोई जंजीर देखेगा और क्या अपने आप को मुझे नहीं है हर बंदा अपने आप मेरी ख्वाहिश है मैं खुद आपको देखूं आपकी ख्वाहिश है आप खुदा को देखना चाहते हैं तो खुश नसीब थे जिन्होंने 33 साल खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में देखा उसे छुआ तंदुरुस्ती पाई उसके लफ्जों से क्या तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है 12 वर्ष के लोग का तुमने शफा पाई कितने बरस से बाद कैसे शफा पाई ईमान के साथ उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास जा सके उसे बात कर सके या मेहनत करे उसके सामने गिर गिराए उसके सामने गिर जाए हो गए कर दी लेकिन एक दिन कई भीड़ में हिम्मत नहीं हारी आज आप पाशाह पे सुन रहे हिम्मत नहीं हारी उसने हिम्मत नहीं भाई हारी एक दफा गई दूसरी दफा गई हो फिर भीड़ लगी हुई है और एक दफा जब उसको मौका मिल गया करीब फिर भी सब देख नहीं जा क्या किया उसने इतना ईमान कि आज मैं यीशु से बात भी नहीं कर सकती मैं ये लफ्ज नहीं सुन सकती कि क्या तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया उसने क्या किया मुड़े एकदम किसने मुझे छुआ है डरी और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा जा बेबी तेरे
ईमान ने तुझे अच्छा किया है। शी वाज क्लीन, अपने आप को साफ कर धो के गई थी। अगर आप आज तक धुले नहीं है ना, तो साफ नहीं हो गए, शिफा नहीं मिली। आप खुदा यीशु मसीह को या खुदा को देख नहीं सकते। वो पाक है, वो आम इंसान नहीं है। वो बादशाह आएगा तो वो आम बादशाह नहीं है, किंग सुलेमान नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, इमरान खान नहीं है। He is not the worldly leader. बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, हर एक आंख उसे देखे। लिखा हुआ दोनों के रिजल्ट भी लिखे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बड़ी यही आज को जरा घर जाके बड़े गौर से अंतरिया साफ करने के। अंतरियों का मतलब है उसके अंदर जो गंदा है वो निकालना। एंड दैट इज योर बॉडी। आपके अंदर क्या क्या है वो जानता है। ही नोस आप छुपाए कितना मर्जी। पादरी साहब को छुपा लोगे, कलीसियाओं से छुपा लोगे, बरादरी से छुपा लोगे, मां बाप से छुपा लोगे, अपने बुजुर्गों से छुपा लोगे, मुआशरे से छुपा लोगे, गॉड नोस व्हाट इज आपकी अंतरियों में क्या है वो जानता है। इसलिए कहता है मजबे पे लाने से पहले क्या करना है उनको, और अपने को धोने। आपको पता है शर्मानी के लिए आते हैं, उसी खुदा ने क्या किया था, सबके पांव समाज में चल रही है, लेकिन हम यहाँ पर सहायता में ना होने से और जगह ना होने से नहीं कर पाते। कोई बात नहीं है, लेकिन इट इज देयर। हम यहाँ थे चर्च में, पहले पांव धोने की रस्म होती थी। पांव धोने का मतलब है चाल चलन दुरुस्त करना, और उस वक्त तक सोचने कुर्बानी नहीं होगी। आप मजबा पर जब यहां खड़े होने के लिए हैं तो सोच समझ के आए, यू विल बी कन्विक्टेड। खंदा आपके गले में होगा। पारी का शौक बना सारे कड़ कड़ाके दिया मैच की। भाई साहब ने मैसेज दिया, अगला मैसेज दो बटक के खड़कावा। इन बातों को जहन से निकाले, इसे खड़का नहीं आ रहा, सिखाने के लिए आ रहा, सुनाने के लिए आ रहा। सुनाना खुदा का ईमान कैसे पैदा होता है, सुनने से, और सुनना मसीह का काम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मसीह ने फरमाया, अजीज सबसे बड़ी अजीज बात यही है कि वो पाक है। और सभी हमने पढ़ा मत्ती 5:5 में, दोबारा पढ़ेंगे, मुबारक है वो जो मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो उदास है। क्लियर है, नो डाउट। आप देख ही नहीं सकते खुदा को। मैं भी मेरे रात के ख्वाब में मुझे होया कि मैं पर अपने अंदर से देख तो है, देखा है खुदा। बड़ी बड़ी झूठी गवाहियां लोगों को वर्गलाने के लिए कलीसिया में अपना प्रोटोकॉल कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। दैट राइट ब्रदर? और ये मैंने कल ख्वाब में देखा, अभी अभी मुझे खुदा ने ये कलाम दे दिया। मैं 4-5 मैसेज दे रेडी रखता हूँ। मैंने बोला नीड में देखता हूँ सिचुएशन अच्छी है। मैं ये नहीं कहता मुझे खुदा ने अभी दिया, मैंने स्टडी की हुई है, लिखा हुआ पहले सोचा हुआ होता है। मेरा 58 यूसाया 58 सा चैप्टर है मेरा प्रॉपर, और वहां पर लिखा है खुदा की नजदीकी है ना। तो नजदीकी मैंने पहले बता दिया, दुआ और व्हाट नियर टू गॉड। आपको रोजा भी रखना है और दुआ भी। और जब मजबा पे आना है इसकी बड़ी नजदीकी है, फिर क्या करना ये एहतियात रखे। बात दोबारा पढ़ेगी यही अंतड़ियों को, लेकिन वो उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले, तब कहन सबको मजबा पर जलाए कि वो सोखे उनको जलाए।
जब आप यहाँ खड़े होते हैं, आप अब जलाने के लिए खड़े हुए हैं, ताकि ये जब जलाई जाए, ये कलाम सुनाया जाए, ये मेरे मुंह से नहीं बल्कि खुदा के वसीला से मेरे जो मुंह से निकले वो सौतरी कुर्बानी है। तरतीब से उससे पहले क्या लिखा हुआ है? तरतीब से चुन दे, तरतीब से पीस काटे उसने, ठीक है, बड़े तरतीब से चुन चुन के रखा। ईच पीस, एक जो पीस टुकड़ा है ना, वो एक पीस या कबाइबर है, याद रखे। उनको तरतीब से मजबा पर रखना है, चर्च में लाना है, चर्च में देखना है। आगे फिर क्या होगा? तब कहें सबको मजबू पर जलाए के वो सोखनी कुर्बानी यानी खुदावन के लिए राहत अंगेज खुशबू की राहत अंगेज खुशबू, फिर उसमें से खुशबू आएगी। तो किस लिए जलाई जाएगी? उसमें से क्या आए? राहत सुकून, राहत अंगेज, पुर जलाम खुशबू आनी चाहिए। अंतरियों में गंध भरा हुआ है, वो साफ नहीं हो गई है, पांव धोने नहीं है, इन्हें अपना चाल चलन दुरुस्त नहीं कर रहा। और आ गया हूं मैं मजबूत पर पानी देने के लिए, क्या खुदा उसे कबूल करेगा? नहीं, अभी आपने पढ़ा ना, अभी इंसान ने बताया खुदा ऐसे रोजे कबूल नहीं करता। सारा कुछ हमने सुना, हम रोजे रख रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी कहते हैं खुदा ने सुना, खुदा को ऐसे रोजे नहीं पसंद, खुदा को ऐसी कुर्बानियां पसंद नहीं है। देखा जैसे कहना जी मैं हल्की बड़े दिल से दम देखा मिलेगा, बोले 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 वो मंदा पर नहीं, वो अपने वहां पर सुमिया से चढ़ाया उसने लोगों को दिखा दिया। चौधरी लाल ने ना दस देखा कुर्बानियां, ऐसी कुर्बानियां, वो भी सोखती कुर्बानी है, जलाई गई, देखा भी डराया ना। नहीं धुली वो, नहीं धुली चौधरी लाल ने कम हो ही नहीं, चौधरी ने देखा नहीं। आज बरादरी इकट्ठी हो गई, बल्ले 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 बल्ले, जर्दा भी है, गोश्त भी है, राया भाइयों ने, हाँ जी, ये कहते पता नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे खादम, ऐसी कलीसियां, मैं अलानिया कह रहा हूं, खुदा को नहीं देखे। अपनी खुशनूदी चाहते हैं, अपने पेट के लिए, अपनी शोबाजी के लिए, अपने जाओ जलाओ के लिए। अब मैं आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो चर्च, मैं डोंट वांट टू बी कॉल्ड चेयरमैन, पहले इंडिया में था, मैं उसको ग्रीन कॉल कर दू, मैं अजला सा खादिम सबसे छोटा, अपने आप को हलीम। ये मुबारकबाद यू में है ना जी, हलीम के बारे क्या मुबारकबाद दी है? दिल के हलीम है, यीशु मसीह से भी कोई ज्यादा हलीम हुआ है। नोचा गया, थूका गया मुंह पर, मारा गया, क्या नहीं किया गया, हलीम था। इससे बढ़ के क्या है? आपको भी एक कुछ बोल दे, दफन बोल देना, दस परसेंट उसको सही है, अंतड़ियां नहीं धुली हुई, अंतड़ियां नहीं धुली, अगर धुली होंगी तो वो पाप होगा, पाप बर्दाश्त करता दूसरा मेरे करके। अब वक्त ऐसा है जिसे में बेदारी आनी चाहिए, रक्षण ऑफ द चर्च इज नीडेड वेरी मच। जब रक्षण ऑफ द चर्च नहीं है, बेदारी नहीं है,
आग नहीं लगी, सोक्सनी कुर्बानी को आग ही नहीं दी। जलाओ अपने आप को ताकि खुशबू आए और लोग देखें कि ये कौन है। दे आर द सन द डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी तालियां यीशु के लिए। अब आपने भारत सीखना क्या हो भारत में, और उस पास्टर को मैं नाम से बड़ी अच्छी तरह जानता था। काफी साल पहले एक वीडियो कैसे उस वक्त वीडियो से सुनता ना, यहाँ कैसेट आती थी, उनकी कैसेट सऊदीया में आई थी। पास्टर परवेज अमरा कामरान, तो मुझे पता चला कि कल वो जगह भारत के लिए आ रहे हैं, तो मैं गया वहां पर। आई वांटेड टू मीट हिम, मिलना भी चाहता था। और याद रखे उसकी बहन यहाँ पर थे, इस पर आपको पता अस्टाला का, अस्टाला का भाई है वो, तो जानते हैं अस्टाला को। वो यहाँ पर थी, प्रस्ताव थी, बाजा बजा थी वो भी, और पास्टर जैसे बाजे में हाथ रखा था, क्या बात, जैसे चौंकते खड़े कर दिए। बड़े अच्छे प्रस्ताव दिए, खुदा ने उन्हें सचमुच बड़ा ब्लेस किया। और बस के बाद जब दो तीन जगह से वो मेरी तरफ जब आए, तो बड़े जोर से ऐसे मिले, उनके भी आंसू और मेरे भी आंसू। छूना चाहता है खुदा आपको, उसने छुआ और शफा को, अब खुदा आपको छूना चाहता है। इस बेटी को कर उस वक्त का इंतजार कर रहा है, कब आप उसके पास आए और वो आपको छूटे। लेकिन आना कैसे है, ये फ्रेम कर अपने दिल में रखना। जब भी आप दुआ में जाएं, जब भी आप चर्च में जाएं, जब भी आप पुलपुट पे आगे मंदिर पर खड़े हो, जब भी आप रोजे के लिए जाएं, जब भी आप कहीं गवाही देने के लिए जाएं, जो तब तेरी गवाही कबूल होगी, तब तेरे कलाम का असर दूसरे पर होगा, क्योंकि वो जलाया गया है और वो जब जल जाएगा तो खुशबू आएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसकी खुशबू आएगी? यीशु मसीह की और उसके कलाम की। अदरवाइज टाइम ना वेस्ट करें, वक्त देखता हूं, गड़गड़ाएं उसके सामने, देखें अपने आप को। कोई आपको पॉइंट नहीं करेगा, फिर उम्मीद नहीं करेगा, करने भी नहीं करेगा, आपको खुद अपने आप अंदर झांकना है कि मैं इस करवाने के लिए या इस मलबा पे जाने के लिए तैयार हूं। और जब ऐसा होगा, इसने काटा क्या किया, अलग अलग किया, एक एक पीस, एक एक पीस काटा बछड़े का या बकरे का। क्रिश्चियन है, आपको एक एक बछड़े के पीस बना दे रहा है क्रिश्चियन को, ऐसे सोमवार पर एक एक पीस काट दे। इसकी जगह यहाँ पर ये एंजल है, इसकी जगह यहाँ पर ये मेंबर है, ये इसकी जगह पर ये प्रस्ताव है। लेकिन हाथ को शक मस्ट बी वॉश्ड, इसकी अंतरियां धोनी है, इसके पांव धुले होने चाहिए, तब आप खुदा को देखेंगे। दस कवारियों की कहानी तो बड़ी पुरानी है, सुनी है? दस कवारियां थी, क्या वो क्या उनके वक्त लाश था, पांच रह गए, क्या मुश्किल थी उनको, वो कवारियां थी दस की दस, बिल्कुल स्टेटस उनका बिल्कुल एक जैसा था, कोई ऐसी बुराई नहीं थी उनमें, वो गुनाह की या किसी ऐसी बात की वजह से नहीं रह गई थी। दे वर वर्जन एंड दे आर वर्जन, क्लियर। वो सचमुच से आए थे मिलने के लिए, कवारी थी और कवारी ही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई धोखे से नहीं आ गई थी बीच में, शादी शुदा बीच में शामिल नहीं हो गई थी। पांच कहीं पांच रह गए, क्यों पांच के पास रोल नो, वो तैयार नहीं है।
दस बाप और उसकी हम 30 आयत से तलावत करेंगे। यसु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यहू की तरफ जा रहा था। सामरी औरत उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगा। पहले बात ये है कि वो सामरी औरत उस कुएं से जाके याकूब का कुआं था और वहां से सालों साल से पानी लाती थी अपने आप को धोती भी थी, घर के लिए भी लेके जा रही थी। गौर करें इस बात पर, कितने सालों से, काफी सालों से पानी आती और एक दिन वहां उसने देखा शख्स बैठा हुआ। क्या कहा उन्होंने? उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्या उसे हुआ? पत्रुया से औरत ने उससे कहा ऐ खुदावंद वो पानी मुझको दे ताकि मैं अपना प्यास मिटा पाऊं। उस औरत ने जब देखा तो पहले से मसीह खुदावंद ने पानी मांगा। ऐसे ही उसने क्या कहा था? तू यहूदी होके मुझसे पानी क्यों मांगता है? पानी मुझसे क्यों मांगता है? फिर क्या कहा जवाब दिया फिलिपियों से मसीह ने? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव, क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई किस्म का बर्ताव नहीं रखते और वो जानती थी ये यहूदी है और उसने इसलिए कहा कि तू यहूदियों के मुझसे पानी क्यों मांगता। जिसने जवाब में उसने कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और ये भी जानती कि कौन कहता है वो कौन है जो कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी, वो तुझे जिंदगी का पानी। सालों साल से वो पानी देके जा रही थी, सालों साल से वो कुएं पे आती थी, बेशोहर यसु ने उससे कहा तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर। मैं आवाज सुने तेरा खुदा ने यसु तूने खूब कहा मैं बेशोहर। पांच कर चुकी है क्योंकि तू पांच शोर कर चुकी है, पांच शोर कर चुकी है वो तेरा नहीं है और जेरे को हुन टकी है ना वो तेरा नहीं है। ये कौन है? सब कुछ कैसे जानता है? क्या हुआ? औरत ने उससे कहा ऐ खुदा मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। मुझे मालूम होता है कि तू नबी है, ऐसे काम करें लोग जाने कि तू एल्डर है, तू पास्टर है, तू खुदा का खादम है, लोग जाने आपकी गुफ्तगू से, आपके चाल चलन से, आपके कामों से, आपके किरदार से, और उस वक्त लोग जब आपकी अंतरियां जुड़ी होंगी और आपके पौधे में होंगे। अगर तू मुझसे मांगी तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे। कहां गई वो बाग के शहर? कैसी खुआई थी तब कि लोग दौड़े आए एक शख्स के कहने पर? आज भी लोग आएंगे करके तो देखें, जिंदगी का कलाम दे लोगों को, शोबाजी का कलाम ना दे,
कौन सा कलाम देना है? जिंदगी का और जुदा हुआ कलाम दे। लोग आए, लोग और जब वो आए तो उन्होंने जिंदगी का पानी मांगा। सालों साल तक वो जो पानी पी रहे थे वहां, लेकिन आज वहां जिंदगी का पानी मिला। कौन सा बैठा हुआ वहां? जिंदगी का सरचश्मा। यस, देखें अपनी जिंदगी को जरा, मेरे अंदर चश्मा फूटा हुआ है ऐसा चश्मा कि मैं दूसरों को जिंदगी दे सकूं, मैं दूसरों की जिंदगी बचा सकूं। ये है हमारी कलीसियाएं, हमारे खादमे। मैं किसी को प्रेम नहीं कर रहा, मैं किसी को तस्कीर कर रहा हूं, हर जगह ये याद है। चंदे लियाओ जी, चुके भाई साहब, स्वीडन फिर आऊं, लंदन जान, अमरीका जान, बच्चे जान, गरीब लोग वहीं बैठे हुए, क्योंकि उनके अंदर नहीं धुले हुए, उन्होंने पांव नहीं धोए अभी तक, उनके पास जिंदगी का पानी है ही नहीं है, उनके अंदर वो चश्मा ही नहीं फूट रहा जो दूसरों को जिंदगी दे सके। याद रखे यीशु पाक है। ये गीत गाते रखाएंगे, ये क्या स्पोर से रहा थोड़ा सा इसका, यीशु पाक है, यीशु पाक है, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे किसको सजदे करूं? यीशु को। क्यों? क्योंकि वो पाक है। बहुत सारी तारीफ। जिसके लिए आप झुकते हैं, जिसके लिए आप चर्च में आते हैं, वो पाक है। उसको आप सजदा कर रहे हैं, वो जिंदा हुआ बोल रहे हैं। तब आगे बढ़ेंगे। आए क्लोजिंग में पहला पत्रस, पहला बात 1516 है। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। कौन है? यीशु मसीह। क्या है? पाक है। में भी क्या बनना है? उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। एक चलन, एक पाक में सारे चाल चलन में, सारे चाल चलन में पाक बनो, तब आप उसको देख सकेंगे। शर्त आ गई ना, क्लियर कर दिया उसने हर चीज को। वो 10 की 10 कुवारियां बिल्कुल तैयारी के साथ आई, वो 10 की 10 कुवारियां ही थी रास्तबाज होंगी, चार चलन में कोई खराबी नहीं थी, यीशु को मिलने आई थी, लेकिन 5 इसलिए रह गई उनकी तैयारी नहीं थी। हर एक आंख उसे देखेगी, लेकिन क्या होगा? जिन्होंने उसे छेदा था लिखा वो भी देखेगी, लेकिन कुछ सब देखेंगे मगर दो ग्रुप हो गए वहां पर। देखा सबने, देखो वो बादलों के साथ फिर आने वाला है,
और हर एक आंख और हर एक आंख उसे देखेगी जी, और जिन्होंने उसे छेदा था और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, जिन्होंने उसे मसलूब किया था वो भी देखेंगे, और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन, बेशक जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। कुछ आगे लिखा हुआ है, कुछ हमेशा की जिंदगी के लिए और कुछ हमेशा की देखेंगे आप। फिर मैं याद करा दूंगा सामरी और बड़ी देर तो कलीसिया लगी है, तो टमके छहने से बाजे से पता कुछ हो रहा है, कंसर्ट हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, चश्मा नहीं है, चश्मे के पास आए नहीं है। जब वो आई सामरी औरत ने पूरा शहर और शहर उमड़ गया, साथ लगे इसके पास में कहा अगर मुझसे मांगी तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जिंदगी है, बाकी है अभी, लेकिन याद रखे हमेशा की जिंदगी का पानी यीशु है, हमें यीशु पाक है। अभी आपने कहा जबान से इकरार किया, मानते हो मुगल्स बयानी तो नहीं है, देख लिया यीशु पाक है, सजदों पे सजदे इसलिए आप करेंगे उसको क्योंकि वो पाक है। और फिर छह बाप पांच बाप आठ है वापस आ जाए, अब मुबारक है देखने का वक्त है, मुबारक है अब क्या उसे मुबारक है वो जो दिल के पाक है, वो हो किसको देखेंगे खुदा तो देखेंगे, वो पाक। जब तक आप ये अबाल की तरह बाप बड़ा गौर से जाके पड़ेगा मुबारक गौर कर जगह को सोच समझ के हाथ लगाए, तरतीब से टुकड़े करके रख। जब उसने आग लगाई सोखती कुर्बानी, तो फिर क्या हुआ से क्या आई खुशबू, खुशबू से खुशबू आनी चाहिए, खादम से खुशबू आनी चाहिए, मेम्बरान से खुशबू आनी चाहिए, एल्डर्स हैं, डीकन हैं, मेंबर्स हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो खुला जाएगा। जब वो औरत चश्मे के पास आई थी, सारो सार से पानी भर के लेके जाती थी, घर में धोते भी कपड़े भी धोते हैं, उन पानी ना बच्चों को भी नहा रहे हैं, खुद भी पी भी रहे हैं, कुछ होगा जिंदगी का पानी। और जब उसने देखा कि वहां पर कोई शख्स बैठा हुआ है और जिसने बा इख्तियार होकर ये कहा कि मैं जिंदगी का पानी तुझे देता अगर तू मुझसे मांगे, हर घर में वो हर कलीसिया में हर बदन में आना चाहता है, रहना चाहता, हर जगह पर नौकर कर रहा है, खोलो तुम दरवाजा, वो है मुंह खटखटा रहा है।
मुंह में है, आज काम पर ग्रीन में है, मनी ग्रीन में है, आज वो आपको लूट रहा है। जिंदगी का पानी उसके पास है, हमेशा की जिंदगी का पानी। आप देखेंगे इतने बार गिर पड़ेगी और फिर पांच बार पाठ है उसके साथ हम दोस्त करेंगे। आपने करार कर लिया, अल्फिया आपने बयान दे दिया खुदा के ऑन द क्रॉस, इस लहू से आपने धुलना है। मुबारक है वो जो दिल के पाक वो ईमान रखे कि मैं खुदावंद को देखूंगा, जब वो आएगा तो मैं कहूंगा, बुलंद आवाज से ललकारूंगा। लेकिन फिर अबार पहला बार अंतरिया वो ऐसे पढ़ेगी दोबारा पूरी उससे पहले, लेकिन वो उसकी अंतड़ियों उससे पहले टुकड़े जाने के तक काट काट के तरतीब से रखे उस वक्त, तब वो उस अपनी कुर्बानी के जानवर की खाल खींचे और उसके उस खाल खींचे दुनियावी चीजें कंडे बाहर सारे को देश बदला। क्या हुआ दिल का बदलना, मैं उसला बदला सा दे फुट दे, जब वो तू निकाल लेगा तो फिर उसके तू क्या कर अंदर से निकाल जो गोश्त है उसके टुकड़े कर दे। जी फिर उसके उजू उजू को काट कर जुदा जुदा करे, फिर हारून कहन के बेटे मजबा पर आग रखे और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन ले, और हारून के बेटे जो कहन है, आपको याद है कि कहन जब कुर्बानी के लिए बाहर जाता था अंदर कुर्बान करीब का हुए उसके पटका है वो रसल क्यों बना जाता था ताकि कोई खता हो, अगर उसमें कोई खता है वो खुदा के मलबे पर गया है और उसके दिल में कोई चोर है कोई खता है तो ही विल डाई देयर, वो मर जाएगा वापस नहीं आएगा। और दूसरे किसी को अख्तियार नहीं है तो उसके अंदर दाखिल हो फिर वो रस्से से खींच देंगे उसकी लाश को। देखे पड़े इस सीमान से यहां पर खड़े हो तो रस्सा बनना ना पड़ेगा, कितनी बड़ी बात। जब वो अंदर जाता है वहां के पाक तरीन कमरे में रस्सा उसके ऊपर, अगर इसने कोई खता कर दी या इसके अंदर में दिल में कोई ऐसी बात हुई या कोई खोट हुई या कोई गलती से ये अंदर चला गया पाक तरीन कमरे में, यीशु पाक है तुम वहां नहीं जा पाए क्योंकि यीशु पाक है, उसकी हजूरी पाक है, तुम वहां नहीं जा सकते। जाओगे तो मरोगे, जाएंगे तो गलती से जाएंगे तो मरेंगे, अंतरिया नहीं धुली हुई तो मरेंगे, पांव नहीं धुले हुए तो मरेंगे। ये मेरे लिए भी है आपके लिए भी है हमारी जिंदगी के लिए है, हम बड़े इश्तियाक रखते हैं कि हम यीशु को देखेंगे, वरन रखते हैं हम यीशु को देखेंगे, हमारा ईमान है कि यीशु को जल्द आने वाला है। देखो वो बातों के साथ जल्द आने वाला बहुत जल्द आने वाला है, हर एक आंसू पहुंच देगा, रोना पीटना मरना सब खत्म हो गया। लेकिन अंतरिया धुली हो, पांव धुले हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।